उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली है गाइज, एक ऑप्शन आपको आ गया है। आपको पता है कि एक ऑप्शन देने का वादा किया गया है कि आपके आवेदन में किसी प्रकार का त्रुटियां हैं तो उसके लिए पुनः एक बार आपको एक चांस मौका दिया जाएगा। जैसे एक शख्स है, उन मैट्रिक प्रमाण पत्र उनका अपलोड नहीं था, कुछ से त्रुटियां था, तो उसके लिए यहां पे आया है। मैट्रिक प्रमाण पत्र का नहीं था तो यहां पर दस्तावेज अपलोड करने का ये ऑप्शन आ गया है। फाइनली ये ऑप्शन को कैसे आपको करना है, चलिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यूट्यूब पर ये पहला वीडियो है जो आप तक सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर मेनू का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाने के बाद आपको इसमें क्या करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि अगर दस्तावेज आपका सही नहीं है तो इसके लिए आपका जैसे अपठनीय हो, गलत दस्तावेज हो, तो उसकी अंतिम तिथि का मौका दिया जाएगा। और ये 15 इसका लास्ट डेट आपका है 15 फरवरी 2023 है। 15 फरवरी से पहले आपको हर हाल में काम कर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। आने के बाद लॉगिन करेंगे, आधार नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर जाएंगे। चलिए पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर जाने के बाद ये यहाँ पर बैंक विवरण दस्तावेज अपलोड आएगा, तो दस्तावेज अपलोड में आपको जाना है। दस्तावेज में अपलोड के बाद में हालांकि इनका कोई दिक्कत नहीं है, जो हमें स्क्रीनशॉट भेजा है तो उनका मेरे पास आईडी नहीं था, लेकिन मैं सैंपल के लिए आपको काम से काम रखना है, सैंपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दस्तावेज अपलोड में आपको जाना है। दस्तावेज अपलोड में जाने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। अगर हो सकता है किसी प्रकार का दिक्कत हो तो मैं इस वीडियो के अंत में बताया है कि आपको कौन सा काम आपको करना चाहिए। अगर जैसे इनका देखेंगे जो कैंसिल चेक था वो यहाँ पे अपलोड है, फिलहाल अभी इनका कैंसिल चेक इनका नहीं था तो गलती हो गया था। अंडरटेकिंग में कैंसिल चेक भी अगर आ जाए तो इसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं इसका घोषणा पत्र भी थोड़ा मिस्टेक है। घोषणा पत्र में मिस्टेक ये है इनका कि यहाँ पर देखेंगे कि इसमें SC ST से आता है तो SC ST नहीं दिया, तो इसका भी एक ऑप्शन दिया जाएगा। तो जब ऑप्शन इसका दिया जाएगा तो फिलहाल अभी तो इसका ऑप्शन नहीं है। इसके लिए मेल अगर ये डिपार्टमेंट को करते हैं कि अपनी जो त्रुटियां हैं, मिस्टेक है, वो थोड़ा याद दिला देना है ईमेल के माध्यम से, तो आपका ये ऑप्शन आपको दे देगा। तो इसके लिए आपको इनका जो शपथ पत्र में हालांकि यहाँ पे टिक लगाना चाहिए, ये भी नहीं लगाया है, तो इसको भी अंडरटेकिंग का थोड़ा जब ऑप्शन आ जाए तो ये अगर चलने वाला होगा तो ऑप्शन नहीं देगा, अगर नहीं चलने वाला है तो ऑप्शन इनका दिया जाएगा। तो फाइनली गाइस आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, उसके बाद आपको सेव कर देंगे। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। करते हैं कि आपका जब मुख्यमंत्री उद्यम योजना का दस्तावेज अपलोड वाला में जब ऑप्शन में जाएंगे दस्तावेज अपलोड में, तो ये आप ऐसा आपका आएगा पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर, ऊपरी यहाँ पर लिखा रहेगा स्टार में अनिवार्य दस्तावेज या JPG, जिस भी फॉर्मेट में या PDF में आप अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पे रहेगा। जिस भी जो रीजन रहेगा, कारण क्या है, वो यहाँ पे रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके आवेदन में निम्न त्रुटियाँ पाई गई है, कृपया इसे पुनः अपलोड करें, यानी पुनः अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और इसमें जाएंगे दस्तावेज के नाम, जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र इनका नहीं था, किसी कारणवश इनका मैट्रिक का प्रमाण पत्र नहीं था, इसके कारण ऐसा हुआ है, तो दस्तावेज अपलोड करने पर यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और यहाँ से PDF या जो भी फोटो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, चुन लेना है। चुनने के बाद यहाँ पर जैसे अप्लाई के टाइम में किया था अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे, ये आपका हो जाएगा।
कुछ बात आपको याद में रखना है कि ये आप ये ऐसा एक ही बार कर सकते हैं, एक बार के बाद आप इसको नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको सारा डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट रखना है, देखना है कि एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, साफ साफ दिखना होना चाहिए, रीड में आना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर संदीप पांडे सर का जो ट्वीट भी आप देखे होंगे वहाँ पर दिया हुआ था कि ऐसे दस्तावेज जो किसी का अपठनीय हो, जो पढ़ा नहीं जाता हो, जो दिख नहीं रहा है, पढ़ने हम नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है कि डॉक्यूमेंट पासबुक के कैंसिल जगह जहाँ है वहाँ पे अंडरटेकिंग डाल दी हो, अंडरटेकिंग के जगह पर दूसरा कोई अपलोड आ गया है, ऐसा हेर फेर हो गया है, तो वैसे लोगों को यहाँ पर बारी बारी से चेक करके और उसका ऐसा अपडेट आ रहा है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक सुनहरा मौका आपको दिया गया है कि आप चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे जिस भी डॉक्यूमेंट में आपका एक भी त्रुटि होगा एक बार आपको चांस दिया जाएगा। और एक जो 3 तारीख का जो बैठक हुआ था उसमें संदीप पांडे सर का जो मैंने वीडियो बनाया था वो आप देखे होंगे, उसमें बजाबते के साथ दिया हुआ है कि 7 दिन + 7 दिन करके आपका ये डेट आपको देगा, समझिए ना कि 15 दिन तकरीबन आपको टाइम ये देगा। हालांकि इसमें क्या करना है कि हमको इसमें कुछ खास ज़्यादा बात है नहीं, तो इसमें क्या करना है कि ओनली फॉर आपको बस एक दिन के काम है ये, समझे। और जो जो दस्तावेज आपका ऐसा हो रहा है उसमें आप अति करेंगे, अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रहा है तो आप विभाग को मेल करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो एक बार उनको रिमाइंड करा देंगे कि याद दिला देंगे, तो वो आपका हो सकता है कि आपका एक ऑप्शन दे देगा। तो मेल भी आप कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर मेल भाई कि मेरा जो फलाने फलाने, बस हिंदी में आप कंफर्टेबल है तो हिंदी में ही आप कर दीजिएगा कि मेरा जो मुख्य गलत मिस्टेक हो गया है, एक बार हमको चांस दिया जाए, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दीजिए, हो सकता है कहीं रिप्लाई आएगा तो आएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं भी रिप्लाई आएगा तो आपको सीन करके आपका काम वो कर देगा। तो जब भी आप मेल करते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, ये इतना चीज़ ज़रूर आप दीजिए, क्योंकि आपका आईडी वो चेक करेंगे तभी तो आपका वो काम करेगा ना। तो इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर मेल कर दीजिए, आपका हो सकता है कि आपका थोड़ा भी लेट हो रहा है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर मेल कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, किस कारण आपका हो सकता है कि आप ही को, अब मान लेते हैं कि टोटल 8117 लोग हैं, विभाग को इतने सभी को चेक करते करते उतना समय नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि आपका दिमाग से उतर जाए, तो आप याद दिला दीजिए, मेल कर दीजिए उसको। तो फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हैं दस्तावेज अपलोड का एक ऑप्शन आ गया है कि आवेदक आवेदन में न्यून त्रुटियाँ, जो भी त्रुटियाँ पाई गई है उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूँ हरि नारायण कुमार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार की कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए बीएसटी ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए बीएसटी टाइप करना है, बीएसटी ऑल टिप्स टाइप करना है, बीएसटी एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है।